इटावा पुलिस द्वारा फिरौती हेतु स्वयं के अपहरण की झूठी सूचना देने की घटना का सफल अनावरण किया। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री जयप्रकाश सिंह के दिए गए निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्र अधिकारी जसवंत नगर के नेतृत्व में SOG एवं थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा फिरौती हेतु स्वयं के अपहरण की झूठी सूचना देने की घटना का सफल अनावरण किया। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री जयप्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश पवन सिंह की रिपोर्ट। करीब 5:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि श्री बारेलाल यादव, जो कुरसेना जसवंत नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पुत्र रवि यादव 11 तारीख को थाना चक्कर नगर क्षेत्र में कहीं गए थे अपनी गाड़ी लेकर के स्कॉर्पियो, और एक व्हाट्सएप पे सूचना आई है कि उनका अपहरण हो गया है, 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। उसके साथ कुछ फोटो शेयर किए गए थे जो व्हाट्सएप पे आए थे। इस पर थाना जसवंत नगर पर 364A का अभियोग पंजीकृत किया गया है। 364A का जो है फिरौती के लिए अपहरण का मामला होता है। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया। तत्काल हम लोगों ने 2 टीमें गठित की, एक में हमारा सर्विलांस और SOG टीम थी, दूसरा वहाँ के इंस्पेक्टर जसवंत नगर के नेतृत्व में। हम लोगों ने कार्रवाई शुरू किया तो SOG टीम और सर्विलांस टीम ने इनका लोकेशन ट्रेस करते हुए थाना बकेवर क्षेत्र में इनको किया। जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि खुद जिसके अपहरण की बात की गई थी रवि यादव, इसने स्वयं एक खटियंत करके पैसा लेने के लिए ऐसा किया था। इसमें इसने जो अकाउंट नंबर दिया था, एक खुद का अकाउंट नंबर था। उसके अलावा जांच में यह तथ्य आया कि इसने कल मैनपुरी क्षेत्र से और चक्कर नगर क्षेत्र से 2 सिम इशू कराया था। दोनों सिम पे जो एक सिम का डिटेल आया है उसमें इसने अपना खुद ID लगाया था, वो 10:30 बजे के आसपास एक्टिवेट हुआ था। 12:37 पर इसने व्हाट्सअप मैसेज किया था उसी सिम से जो नया खरीदा था 5 लाख की। अपने हाथ को हल्का सा काटा था जिससे ब्लड आ रहा था और किसी न किसी माध्यम से पैसा लेने की। इसका अकाउंट नंबर जो आया था, जो अकाउंट नंबर दिया था PSPRA को भेज करके इसको ट्रेस कराया गया तो पता लगा कि अकाउंट भी इसी के नाम का है, जिसमें 72-73 रुपये ही शेष है। तो इससे लग रहा है कि पैसा लेने के लिए इसने इस तरह का खड्यंत किया था। चूँकि रवि यादव ने खड्यंत किया था तो इसके खिलाफ धारा बनती है उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसको जेल भेजा जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोग हतोत्साहित हों और किसी प्रकार का ऐसा अपराध न हो जिससे अनावश्यक रूप से समस्या उत्पन्न हो। ठीक है, थैंक यू।